नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1001वां एपिसोड। आज 22 जून की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें हम आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। 2023 का आईपीएल बेशक खत्म हो चुका हो, लेकिन 2024 की तैयारी हमने अभी से ही शुरू कर दी है और आज बड़ी रिपोर्ट सीएसके के कैंप से निकल कर आई है। तो एंड तक वीडियो को देखना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आईपीएल एशिया कप वर्ल्ड कप सारी रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले देते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर ले ना, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। आज दिनभर की पहली बड़ी रिपोर्ट के हवाले से तो ये खबर आ रही है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ हैं काशी विश्वनाथन और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है और यह बयान बताता है कि धोनी अभी भी कितने ज्यादा डेडिकेटेड है अपने खेल को लेकर। सीईओ साहब ने कहा है दैट महेंद्र सिंह धोनी डिडंट कंप्लेन अबाउट नी इंजरी आईपीएल 2023 फाइनल। जब तक फाइनल पूरा नहीं हो गया तब तक धोनी ने अपनी नी इंजरी को लेकर किसी से कोई कंप्लेंट नहीं की। ये कहना है चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ का। सीईओ साहब ने बताया कि किस तरह से धोनी अपनी चोट के साथ अनकंफर्टेबल थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बेड़ा उठाया था कि उन्हें इस साल जीतना है। अंततः चेन्नई सुपर किंग्स जीती भी, लेकिन धोनी ने अपनी इंजरी पूरे सीजन भर टीम को नहीं बताई, मैनेजमेंट को उस तरह से पेश नहीं की ताकि टीम और मैनेजमेंट टेंशन में ना आए। एंड इवेंचुअली हमने देखा सीएसके उस खिताब को जीती भी। हालांकि धोनी की एक छोटी सी माइनर सी सर्जरी भी हुई है, रिपोर्टेडली वो रिहैब कर रहे हैं, अगले साल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन धोनी को लेकर ये जो स्टेटमेंट सीईओ का आया है ये बताता है कि धोनी कितने डेडिकेटेड है इस स्टेज पर आकर भी, एंड दैट्स व्हाई धोनी के लिए एक लाइक बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां से बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। लेकिन उससे पहले हमें टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, क्योंकि 2023 का आईपीएल बेशक खत्म हो चुका हो लेकिन 2024 के आईपीएल की एक एक खबर हम अभी से ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डालते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि साल भर हमारे टेलीग्राम चैनल पर दुनिया भर के हर एक क्रिकेट, बड़े क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का जो है अपडेट आपको मिलता है, स्पेशली एशिया कप, वर्ल्ड कप और आईपीएल 2024 की सारी रिपोर्ट सबसे पहले मिल रही है। लिंक इज राइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फटाफट खोलिए, फटाफट हमारे टेलीग्राम का हिस्सा बन जाइए, आपको मजा आ जाएगा। चलिए दोस्तों दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो आईपीएल को कॉपी कर तो दुनिया भर में कई सारी लीग्स बनी है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग ऐसा लग रहा है कि आईपीएल को घोट कर पीने वाला है, क्योंकि ये अब इस हद तक आईपीएल को कॉपी करने लगे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। रिसेंटली एक रिपोर्ट पीएसएल के हवाले से निकल कर आई है। पीएसएल वालों ने एक जूम मीटिंग की है अपने सभी 6 टीमों के मालिकों के साथ और उसमें यह फैसला लिया गया है कि आने वाले 2 सालों में पीएसएल टीमों की संख्या बढ़ा दी जाएगी और अभी जो 6 टीमें हैं आने वाले 2-3 सालों में उसकी संख्या 8 टीमें हो जाएंगी, मतलब टोटल पीएसएल में 8 टीमें खेलती हुई नजर आएगी। ये पूरी तरीके से कॉपी है इंडियन प्रीमियर लीग की। आपको पता है इंडियन प्रीमियर लीग में भी लगातार टीमें बढ़ाई जा रही है, 2 साल पहले ही 10 टीमों का यह टूर्नामेंट हुआ है और अब पीएसएल वाले भी इसी राह पर चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आईपीएल के लिए टीमों की संख्या को बढ़ाना आसान है, क्योंकि आईपीएल में हर साल व्यूअरशिप, देखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं आती है। लेकिन जो पीएसएल है ना वो बहुत छोटी लीग है, पीएसएल को देखने वालों की संख्या भी काफी कम है और अगर पीएसएल वाले टीमों की संख्या को बढ़ाएंगे तो इनमें जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा और ये जितनी भी 8 की 8 टीमें हैं ना पीएसएल की, ये पैसे नहीं बना पाएंगी और ये प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ेगी। तो ये जरूर आईपीएल से अपनी तुलना कर रहे हैं, लेकिन ये आईपीएल जितना बड़ा बन नहीं सकते, क्योंकि भैया आईपीएल के पास ताकत है हिंदुस्तानियों की, व्यूअरशिप की, ऑडियंस की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां से बात करते हैं दिन में की तीसरी बड़ी खबर की। आईपीएल के नाम वीडियो को लाइक जरूर कर देना अभी तक नहीं किया हो तो। लेकिन बड़ी रिपोर्ट आ रही है अफगानिस्तान से। रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि अफगानी खिलाड़ी हैं, इस साल केकेआर की टीम का हिस्सा थे, उनको महेंद्र सिंह धोनी ने गिफ्ट भेजा है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी ऑटोग्राफ की हुई जो जर्सी है वो उनको भेजी है और रहमानुल्लाह गुरबाज ने उस जर्सी के साथ अपनी एक पिक्चर भी पोस्ट की है। ये पिक्चर सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है। ये बताता है दोस्तों कि धोनी जो साथी प्लेयर्स होते हैं, चाहे वो खुद की टीम के हो या फिर सामने वाली दूसरी टीम के हो, वो सभी को बराबर प्रेम और सम्मान देते हैं। और फिर भैया माही के लिए फिर बोल रहा है, लाइक नहीं किया तो कर देना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ से।
से बात करते हैं दिनभर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर भी आ रही है वर्ल्ड कप को लेकर और रिपोर्ट अच्छी नहीं है। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। जी हाँ, आईसीसी और बीसीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया है पाकिस्तान का क्लेम। पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि वो भारत में आकर वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार है, लेकिन वो इंडिया पाकिस्तान मैच अब अहमदाबाद के मोटेरा नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम में नहीं खेलना चाहते। अब इस चीज को आईसीसी और बीसीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया है और आईसीसी और बीसीसीआई ने यही कहा है कि आपको अहमदाबाद में ही ये मैच खेलना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी तक वर्ल्ड कप का शेड्यूल आया नहीं है और इसके पीछे रीजन है इंडिया पाकिस्तान मैच। पाकिस्तान लगातार बोल रहा है कि वो इंडिया पाक मैच को अहमदाबाद की जगह दूसरे मैदान पर खेलना चाहता है। बीसीसीआई ये बोल रहा है कि आपको अहमदाबाद में ही आकर खेलना पड़ेगा क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मैच दुनिया के सबसे बड़े मैदान में होना चाहिए। इसी को लेकर दोनों ही क्रिकेट बोर्ड में तकरार है, आईसीसी के सामने ये मामला चला गया है और इसीलिए अभी तक शेड्यूल नहीं आ पा रहा है। अब पाकिस्तान वालों ने क्लेम किया था, आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया है, यहां से रास्ते खुले, हो सकता है शेड्यूल जल्दी आए। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि ये जो इनका क्लेम रिजेक्ट हुआ है इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता क्या है, क्या ये वर्ल्ड कप में खेलने से इनकार कर देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं दोस्तों इस पर आगे क्या रिपोर्ट आती है, लेकिन अभी की स्थिति में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हक में फैसला नहीं गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करते हैं दिनभर की पांचवी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है एबी डिविलियर्स के हवाले से। हम देख रहे हैं रिसेंटली एशेस चल रहा है और एशेस में जो बेस्ट बॉल अप्रोच है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम की उसकी खूब सराहना हो रही है। बेस्ट बॉल अप्रोच मतलब सीधी बात है जो इनके कोच है ब्रेंडन मैकुलम उनकी जो अप्रोच है मैच को जीतने की, टेस्ट मैच को, ओडीआई और टी20 मैचों को जीतने की, उसकी बड़ी सराहना हो रही है। और ये जो बेस्ट बॉल अप्रोच है इसकी तुलना एबी डिविलियर्स ने महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल ऑफ कैप्टेंसी से कर दी है। एबी डिविलियर्स ने कहा है ये जो अप्रोच है ये रिसेंबल करती है, इट रिसेंबल महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल ऑफ कैप्टेंसी, ये कहना है एबी डिविलियर्स का। यार देखो, एबी डिविलियर्स ने दुनिया में बहुत क्रिकेट खेला है, वो आईपीएल भी आए, आईपीएल में भी उन्होंने खूब क्रिकेट खेला और अगर वो कुछ बात बोल रहे हैं तो उसमें सत्यता होगी। एंड दैट्स व्हाई भैया अब तो दुनिया भर में डंका बज रहा है हिंदुस्तान की स्टाइल ऑफ कैप्टेंसी का, धोनी की स्टाइल ऑफ कैप्टेंसी का। लाइक जरूर बनता है इसके लिए, फिर बोल रहा हूं लाइक नहीं किया तो कर देना। आगे बढ़ते हैं छठी बड़ी रिपोर्ट की, यहां से बात करते हैं। तो लगता है एक बार फिर रविंद्र जडेजा और चेन्नई सुपर किंग्स के मालिकों के बीच सब कुछ सही नहीं है। पिछले साल भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी थी और इस साल भी अब कुछ इसी तरह की रिपोर्ट आ रही है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा है कि ही मे हैव फेल्ट हर्ट। उन्होंने कहा है कि जडेजा ने जो आईपीएल के दौरान महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कर्मा शब्द का इस्तेमाल किया था, अब उन्हें उस बयान के ऊपर हर्ट फेल्ट करना चाहिए। दरअसल दोस्तों आईपीएल में कुछ खबर आई थी जब आईपीएल चल रहा था कि धोनी और जड्डू के बीच कुछ सही नहीं है और जड्डू ने एक पोस्ट भी किया था जिसमें उन्होंने कर्मा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था ये जो कर्मा है, जो आपके कर्म है, वो आपको जवाब देंगे। धोनी के साथ उनकी कुछ बहस होने की भी तस्वीरें आई थी। बाद में सब कुछ सही हो गया, चेन्नई जीत भी गई, लेकिन अब चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ बोल रहे हैं कि जडेजा को इस बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने आईपीएल के दौरान किस तरह का बयान दिया था। अब आप बताओ यार, जड्डू का बयान सही था गलत था, आपकी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और ये भी बताना कि ये जो चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ हैं या फिर इनका जो मैनेजमेंट के अंदरूनी जो जिस तरह की खींचतान चल रही है ये अभी के परिप्रेक्ष्य में सही है या गलत है, अपनी राय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां से बात करते हैं दिनभर की सातवीं बड़ी खबर की। तो डेविड मिलर चल दिए हैं चेन्नई सुपर किंग्स की राह पर क्योंकि सीएसके की टीम ने साइन कर लिया है डेविड मिलर को। अभी आईपीएल 2024 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भैया मेजर लीग क्रिकेट की जो कि जुलाई में होने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिसमें टेक्सास सुपर किंग्स नाम से सीएसके वालों की एक दूसरी फ्रेंचाइज खेल रही है और इस टेक्सास सुपर किंग्स नाम की टीम में डेविड मिलर भी खेलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दूं दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग में डेविड मिलर जैसे प्लेयर की बहुत बड़ी भूमिका है गुजरात को जिताने में, चाहे जितने भी मैच गुजरात जीती हो मिलर का एक रोल रहता है हर साल। लेकिन इसी रोल को देखते हुए टेक्सास सुपर किंग्स वालों ने उनको लिया हुआ है। अब क्या वो यही चीज को ऐसे ट्वेंटी और आईपीएल में भी दोहराएंगे, क्या मिलर आईपीएल में भी चेन्नई को ज्वाइन करेंगे, क्या चेन्नई सुपर किंग्स मिलर को बढ़ाकर पैसे देने के लिए तैयार है,
क्या होगी रिटेंशन की प्रक्रिया, ये तो आने वाले समय में पता लगेगी। अभी की रिपोर्ट तो यही बोल रही है कि गुजरात टाइटन ही डेविड मिलर को रिटेन करेगी। लेकिन यार देखो, आईपीएल पैसों का खेल है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर चेन्नई यहाँ से बेन स्टोक्स को रिलीज करती है तो चेन्नई का बैलेंस पर्स बढ़ जाएगा और वो डेविड मिलर को 8-10 करोड़ रुपए देकर ले सकते हैं, अगर मिलर नीलामी में जाने को तैयार हो जाए तो। टेक्सास सुपर किंग्स में तो इन्होंने मिलर को ले लिया है, लेकिन इनकी निगाह होगी 2024 के आईपीएल पर। देखते हैं क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है रिटेंशन और नीलामी की प्रक्रिया। बाकी आप बताओ, क्या मिलर की जरूरत है चेन्नई को, और अगर है तो कितने रुपयों में खरीदना चाहिए चेन्नई को मिलर को, और मिलर रिटेन होंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करते हैं दिनभर की आठवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने भी ओडीआई वर्ल्ड कप का ये जो शेड्यूल है उस पर कुछ सवाल उठाए हैं। क्या सवाल उठाए उस पर बात करते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो चेपॉक स्टेडियम में होने वाला है और ऑस्ट्रेलिया इससे खुश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वाले बोल रहे हैं कि वो चेपॉक की बहुत ज़्यादा स्पिन होती हुई विकेट पर इंडिया के सामने मैच नहीं खेलना चाहते। यार देखो सीधी बात है, अभी पाकिस्तान ने क्लेम किया, अभी ऑस्ट्रेलिया वाले क्लेम कर रहे हैं, ऐसे में तो हर क्रिकेट बोर्ड खड़ा हो जाएगा, हम इस मैदान पर नहीं खेलना चाहते, हम यहाँ नहीं खेलना चाहते, वहाँ पर स्पिन ज़्यादा है। ऐसे वर्ल्ड कप नहीं होगा भाई, हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा है, जहाँ से जैसा शेड्यूल बनेगा रूस्टर में आएगा, आपको खेलना पड़ेगा। और बीसीसीआई ने इसीलिए पाकिस्तान का क्लेम भी रिजेक्ट किया है और ऑस्ट्रेलिया वालों का क्लेम भी रिजेक्ट किया है, आपको चेपॉक में आकर खेलना ही पड़ेगा, फालतू के बहाने नहीं चलेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करते हैं दिन में की नौवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है अथर्व टाइडे के हवाले से। अथर्व टाइडे पंजाब किंग्स की टीम का हिस्सा थे इस साल के आईपीएल में और कंपैरेटिवली सक्सेसफुल साबित हुए थे इस साल के आईपीएल में। अब टाइडे ने अपनी सक्सेस का जो पूरा क्रेडिट है वो ऑस्ट्रेलिया के स्टार पूर्व खिलाड़ी ब्रैड हेडन को दे दिया। ब्रैड हेडन पंजाब किंग्स के साथ इस साल जुड़े हुए थे और उन्होंने अपनी सक्सेस का राज ब्रैड हेडन को बताया है। यार देखो, पंजाब किंग्स की जो सक्सेस नहीं हो पा रही है ना, उसके पीछे इनके सपोर्ट और कोचिंग स्टाफ का लगातार हर साल बदलना है, और अगर ब्रैड हेडन जैसे लोग लगातार कंसिस्टेंटली आने वाले 5-7 सालों तक पंजाब के साथ जुड़े रहना तो पंजाब को वो एक टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक अच्छी स्क्वाड बनाकर दे सकते हैं। लेकिन अगर पंजाब के मालिक हर साल अपनी स्क्वाड में, अपने कोचिंग स्टाफ में बदलाव करते रहे तो आईपीएल तो इन्हें भूल जाना चाहिए, क्योंकि आईपीएल की कहानी ही ये है, वो टीमें बहुत सक्सेसफुल होती है जो अपने कप्तान और कोचों के साथ बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहती है। बाकी उस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दसवीं बड़ी रिपोर्ट की, यहाँ से बात करते हैं। तो आईपीएल को फिर से कॉपी कर चेस की एक लीग शुरू होने वाली है। दुनिया के हर स्पोर्ट की लीग शुरू हो चुकी है, बैडमिंटन ले लो, कबड्डी ले लो, आप टेनिस ले लो, लेकिन पहली बार चेस की लीग भारत शुरू करेगा। 36 ग्रैंड मास्टर प्लेयर्स इसमें इंडिया में आकर खेलेंगे। अब कितनी सफल होगी कितनी नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं चेस को ना ज़्यादा देखता हूँ ना मुझे समझ में आता, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन सी खबर आपको अच्छी लगी। टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आपको मजा आ जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि दुनिया भर में कहीं भी आपको आईपीएल 2024 की खबर नहीं मिलेगी, सिर्फ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।